हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सड़कों पर लाल पीली पट्टियाँ बनी होती हैं उनका क्या मतलब होता है। आप देखते होंगे अलग अलग तरह की पट्टियाँ बनी होती है, कहीं पर सफ़ेद पट्टी होती है जो कि कंटिन्यूस होती है, कहीं पर ब्रोकन होती है, कहीं पर पीली पट्टी होती है। तो उन अलग अलग पट्टियों का क्या मतलब होता है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रोकन वाइट लाइन की। ब्रोकन वाइट लाइन, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, बीच बीच में लाइन होती है, सफ़ेद लाइन होती है और बीच बीच में गैप होता है। इसका क्या मतलब होता है? अगर कहीं पर ब्रोकन वाइट लाइन होती है, देन इट शोज दैट यू मे चेंज लाइन, ओवरटेक व्हीकल और मेक यू टर्न आफ्टर सीइंग दैट इट इज़ सेफ टू डू। मीन्स अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप लेन चेंज कर सकते हैं, किसी और व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो सुरक्षित अगर आप महसूस कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, तो आप यू टर्न भी ले सकते हैं। ब्रोकन वाइट लाइन में किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, आप इसको लेन को चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगल सॉलिड वाइट लाइन की। सॉलिड सिंगल वाइट लाइन का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट ओवरटेक अ व्हीकल और मेक अ यू टर्न इफ़ यू आर ऑन अ रोड विद अ कंटिन्यूस वाइट लाइन। मतलब आप अगर कंटिन्यूस सॉलिड वाइट लाइन पर चल रहे हैं, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वहाँ पर सिंगल सॉलिड वाइट लाइन बनी हुई है, तो आप किसी भी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप यू टर्न नहीं कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपकी विषम परिस्थिति है या आपको परपेंडिकुलर रोड पर टर्न लेना है, वहाँ आप इस सॉलिड वाइट लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते और ना ही आपको यू टर्न लेने की परमिशन है। अब बात कर लेते हैं सिंगल येलो लाइन की। सिंगल येलो लाइन का मतलब है यू कैन ओवरटेक और पास ओवर दैट लाइन बट यू नीड टू बी इन योर येलो लाइन ओनली, यू कैन नॉट क्रॉस इट। मीन्स आप व्हीकल ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी येलो लाइन क्रॉस नहीं करनी है किसी भी कीमत में। यानी यहाँ पर हमको इतनी परमिशन होती है कि अगर ज़रूरत है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में येलो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डबल येलो लाइन। डबल येलो लाइन इज इट कैन नेवर बी क्रॉस्ड अनलेस इट इज़ टू अवॉइड अ मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस। मीन्स जो डबल लाइन अगर आपकी बनी हुई है, येलो डबल लाइन आपकी बनी हुई है, तो इसको आप कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे जब तक कि कोई बहुत मेजर आपको दिक्कत ना हो। जनरली जो डबल लाइन होती है, येलो डबल लाइन होती है, वो डेंजरस रोड पर बनी हुई होती है, टू लेन रोड्स पर बनी हुई होती है, और ये इसीलिए लगी होती है ताकि क्रॉसिंग को रोका जा सके और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे ट्रैफिक को किसी भी तरह की किसी भी वजह से दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंगल येलो एंड ब्रोकन लाइन। सिंगल येलो एंड ब्रोकन लाइन का क्या मतलब है? इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द साइड विद द ब्रोकन लाइन यू आर अलाउड टू ओवरटेक, एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द साइड ऑफ द सॉलिड लाइन यू आर नॉट परमिटेड टू ओवरटेक। मीन्स अगर आप ऐसी रोड पर ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर एक पट्टी पूरी कंटिन्यूस येलो लाइन की आ रही है और एक साइड आपकी ब्रोकन लाइन आ रही है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, तो अगर आप ऐसी तरफ चल रहे हैं जिधर ब्रोकन लाइन है, तो आपको ओवरटेक करने की परमिशन है, और अगर आप ऐसी तरफ चल रहे हैं जिधर आपकी सॉलिड लाइन चल रही है, कंटिन्यूस लाइन चल रही है, तो आपको ओवरटेक करने की परमिशन नहीं है। दूसरा दोस्तों, अगर आप ब्रोकन लाइन की तरफ चल रहे हैं तो आप लेन भी चेंज कर सकते हैं, आपको इस चीज़ की भी परमिशन है, लेकिन अगर आप सॉलिड लाइन की तरफ चल रहे हैं तो आप किसी भी सूरत में अपनी लाइन चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी रोड पर लगी हुई पट्टियों से रिलेटेड।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल के बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो को आप पढ़ सकें, देख सकें, सुन सकें। धन्यवाद दोस्तों।